अमेरिका में बीते दिनों एक पुरुष ने एक बेटे को जन्म देकर सबको चौंका दिया। इस घटना के बाद जब लोगों ने इस शख्स को बच्चे का बाप कहने की जगह उसे माँ कहकर बुलाया तो शख्स न केवल भड़क गया बल्कि काफी आहत भी हो गया। आपको बता दें कि 37 साल के बेनेट कास्पर विलियम अमेरिका के लॉस एंजलिस के रहने वाले हैं। वे एक ट्रांसजेंडर पुरुष है। बेनेट ने बताया कि 7 साल पहले वे एक महिला हुआ करते थे, लेकिन 3 लाख से ज्यादा की सर्जरी करवाकर उन्होंने अपना ब्रेस्ट ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन महिला के बच्चे देने वाले अंग में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करवाया। बेनेट का कहना है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वे मातृत्व का सुख लेना चाहते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में बेनेट की मलिक नाम के एक शख्स से मुलाकात हुई थी। दोनों को पहली नजर में एक दूसरे से बेपनाह प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक बेनेट ने पिछले साल अपने बेटे हडसन को जन्म दिया था। बेनेट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने तब के एक अजीबोगरीब अनुभव के बारे में बताया है, साथ ही जमकर अपनी भड़ास भी निकाली है। बेनेट का कहना है कि जब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया तो अस्पताल में लोग उन्हें पिता की जगह बच्चे की माँ कहकर पुकारने लगे। बेनेट बताते हैं कि उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा था क्योंकि उनका मानना है कि मातृत्व की भावना सिर्फ महिलाओं में ही नहीं बल्कि पुरुषों में भी हो सकती है। बेनेट कहते हैं कि मातृत्व और नारीत्व में फर्क होता है, ये लोग समझ नहीं पाते। लोगों के दिमाग में एक ही बात घुसी हुई है कि इस दुनिया में केवल महिलाएं ही माँ बन सकती है और उन्हीं के अंदर मातृत्व की भावना हो सकती है।